जैसे कि आशंका थी, फिलिस्तीनी प्रतिरोध से सुलगी और गाजा में इजरायली नरसंहार से भड़की युद्ध की लपटें अब पूरे मिडिल ईस्ट को घेर चुकी हैं। इजरायल पर ईरान के हमले ने हालात को खतरनाक मोड़ तक पहुंचा दिया है। दुनिया भर के देशों को तीसरे विश्व युद्ध का डर सताने लगा है। ये पहली बार है जब ईरान ने इजरायल पर सीधा हमला किया। माना जा रहा है कि ईरानी हमले इजरायल पर हुए, मगर घाव पश्चिमी देशों खासकर अमेरिका तक को पहुंचा है। दावा है कि ईरान ने हमला कर अपने हथियारों की नुमाइश भी कर डाली है। अब तक चले आ रहे जुबानी हमलों के बाद पहली बार ईरान सीधे युद्ध में कूदता नजर आया है। दावा किया जाता है कि ईरान ने खुद को इस हद तक विकसित कर लिया है कि खुद को दुनिया में एक शक्ति केंद्र के रूप में पेश करने में सक्षम हो गया है। खास बात है कि बिना किसी दूसरे देश के समर्थन के बावजूद ईरान ने तरक्की की है, खास तौर से अपने रक्षा मामले में, जो सबको चौंका रहा है। ईरान की मिलिट्री ताकत की बात करें तो ईरान के पास 10 लाख से ज्यादा सैनिकों वाली एक मजबूत सेना है, जो दुनिया के किसी भी देश के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती है। दावा किया जाता है कि ईरानी सैन्य आधुनिकीकरण का पहला मकसद ऐसी ताकत हासिल करना था जहाँ ईरान तकनीकी तौर से शक्तिशाली दुश्मन के खिलाफ लड़ने और खुद को बनाए रखने में सक्षम हो। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने ईरान की बागडोर संभालने के बाद सबसे पहले ईरान को एक क्षेत्रीय महाशक्ति के रूप में फिर से स्थापित करने पर जोर दिया था। एक वक्त ऐसा भी आया जब पश्चिमी देशों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम में बाधा डालने के लिए उस पर कड़े प्रतिबंध लगाए। बावजूद इसके ईरान ने अपने स्वदेशी सैन्य उद्योगों पर विश्वास जताते हुए खुद को प्रतिस्पर्धा में बनाए रखा। स्थानीय सैन्य उद्योग दुनिया में सबसे बड़े उद्योगों में से एक है। बताया जाता है कि ईरान ने अपने देश में ही सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइलें, छोटी, मध्यम और लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें, तोपखाने और बड़ी संख्या में ड्रोन्स को बनाना शुरू किया। दावा तो ये भी किया जाता है कि युद्ध में ड्रोन का इस्तेमाल करने वाले पहले देशों में ईरान की गिनती होती है। ईरान ने पहली बार 1984 में इराक के खिलाफ ड्रोन का इस्तेमाल किया था। इतना ही नहीं, ईरान 1985 में इराक के खिलाफ बैलिस्टिक मिसाइलों का उपयोग करने वाले पहले देशों में से एक था। यही वजह है कि ईरान का मिसाइल भंडार दुनिया में सबसे बड़ा माना जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मानव रहित वाहनों की संख्या के मामले में भी ईरान सबसे अव्वल देश है। ईरान की सेल्फ डिफेंस टेक्नोलॉजी सराहनीय है। पिछले कुछ दशकों में ईरान ने अपने चारों ओर अपने सहयोगियों की खूंखार फौज खड़ी कर दी है। इसके जरिए वो इजराइल के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर चला रहा है। इसमें लेबनान का हिजबुल्ला, इराकी शिया मिलिशिया, गाजा के हमास, यमन के हूती और कुछ फिलिस्तीनी चरमपंथी गुटों के साथ इजराइल समेत पश्चिमी देशों पर हमलावर हैं। हाल के दिनों में जब अमेरिका रूस और चीन के खिलाफ अपना राग अलाप रहा है, तो वहीं ईरान को अमेरिका के दुश्मन देशों के साथ मजबूत संबंध बनाने का सुनहरा मौका मिल गया है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भी ईरान ने रूस को हजारों ड्रोन्स की सप्लाई की, जिन्होंने यूक्रेन में जबरदस्त तबाही मचाई थी। बहरहाल, आने वाले वक्त में ये देखना काफी महत्वपूर्ण रहेगा कि मिडिल ईस्ट में ईरान अपनी बादशाहत कायम रखने में कितना सफल हो पाता है।